हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गौरी कॉलोनी और अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज 9:45 बजे से, और मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। और अभी का आज कुछ भी काम करने नहीं दे रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया, वो चिढ़ रही है बार बार, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई सुबह से। आज मैं सुबह उठी हूँ 6:30 बजे और अभी तक मेरे सारे काम निपट गए हैं। झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, कपड़े धो लिए, अद्विका को नहला के मालिश करके तैयार कर दिया, खुद भी मैं नहा गई हूँ। और अब मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। कान्हा जी, और ये है कान्हा जी की प्लेट। अद्विका कितनी खुश हो रही है। ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि लड्डू गोपाल भी आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा दृष्टि रखें। अभी मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है यहाँ पे, और ये है अद्विका। अद्विका कितनी खुश हो रही है। जब आज आपने सबको हाय नहीं किया, हाय कर दो सबको, प्रणाम भी कर दो, बोलो हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों मंदिर साफ हो चुका है और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे क्लीन किया और कौन सी जगह मैंने चौकी लगाने के लिए मैंने कौन सी जगह चुनी हुई है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है दीपक, ये मैंने कुछ फूल लिए हैं बाहर से, और ये है चावल की कटोरी। तो दीपक को कभी भी खाली स्थान पर नहीं रखते हैं, तो इस वजह से मैंने एक कटोरी ली स्टील की, मैं हमेशा लेती हूँ, और ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है। तो इसमें मैंने चावल भरे और इसमें अब डालूँ, मैं इसमें रखूँगी ये दीपक, और अब इस पे हम डेली दीपक जलाएंगे, चाहे नवरात्रि हो या ना हो, पर हम ऐसा करते हैं हमेशा जब भी मंदिर साफ करते हैं। और ये कुछ फूल हैं, और ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लीन कर दिया है, और यहाँ पर लगाऊँगी मैं चौकी, लड्डू गोपाल जी, और ये मैंने गणेश जी को भी आज मुकुट पहना दिया है। और मैं हमेशा पूजा घर में हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, मैं थोड़ा सा तैयार होकर ही करती हूँ। और मैं और अद्दू आज मैचिंग मैचिंग बने हैं, ट्विनिंग कर रखी है हमने। अब हम क्या करेंगे अद्विका? पूजा। तो अद्विका सो गई थी, और अद्विका अब उठ भी चुकी है, और जब अद्विका सो रखी थी उसके बाद में पूजा का सामान लेने गई थी। आप लोगों को मैं क्या क्या सामान लाई हूँ माता रानी के लिए। ये मैं कच्चा नारियल लाई हूँ, और इसको मैं अभी ये मोली को बांधूंगी, इसके बाद चुन्नी लपेटूंगी। और ये लाई हूँ मैं माता के लिए 5 श्रृंगार की चीज़ें। और ये मैंने कलश तैयार कर दिया, इसमें मैंने आम के 5 पत्ते लगा दिए हैं, कहीं से भी ये कटे फटे नहीं हैं, और साफ धो धा के मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया है। ये मैं माता रानी का श्रृंगार यहाँ पे सजा दिया मैंने, और ये है कलश। और बाकी मैंने करवा चौथ मैया पे भी सुबह बिंदी बिंदी लगा ली थी, और पार्वती मैया पे भी सभी देवी देवताओं को मैंने अच्छे से सजा दिया है, जितना मुझे आता था उस हिसाब से मैंने किया है। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके बताना, मैं तो यही करती हूँ, सिर्फ इतना करती हूँ। और अब ये कलश कपानी और ये जो कच्चा नारियल है, ये सब नवमी के दिन
इस्तेमाल होगा, तब तक मैं इसी की पूजा करूंगी। ये मैंने आज माता रानी को यहाँ पे स्थापित कर दिया है। ये है मेरा छोटा सा मंदिर। जय हो माँ लक्ष्मी, जय खाटू श्याम बाबा। ये छे नादविका का दगड़िया, ये लड़का है, ये अद्विका का दोस्त है, और ये इस लड़के की बहन है, और ये भी है। यहाँ पे बच्चा पार्टी इस टाइम, ये सभी बच्चे मेरे हवाले हैं। अदो आपका दोस्त कौन है? क्या आपका दोस्त ये? दोस्तों ये मैंने व्रत खोलने के लिए पिंजरी बनाई थी, और ये मैंने पिठाई बनाई थी, और थी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पूजा कर चुकी हूँ, खाना बन चुका है, और अब हम खाना खाएंगे। मैंने यहाँ पे दीपक जला रखा है, ये यहाँ पे अद्विका बर्तन उठा रही है, और ये है मैंने बना रखा आज आलू का साग और रोटी। अब हम लोग खाएंगे खाना। ऐसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? खुजली हो रही है आपको हेलो गाइस बोलने में? ऐसे करते हैं, हेलो गाइस, बोलो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल। आई होप दोस्तों आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ मैं नए दिन नई सुबह की शुरुआत से। जैसा कि आप लोगों को आज पता ही है कि आज से नवरात्रि शुरू हो गए, तो आज से कुछ स्पेशल दिन शुरू हो चुके हैं, और अद्विका मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही। और ये देखो अद्विका, और ये हमारे पीछे दीदी और अनाज है, जो कि आज यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बूंदाबांदी होने लग गई थी, तो इस वजह से वो नीचे लाए हैं। ओहो अद्दू हो गया बेटा, चलो बाय बाय बोल दो, फिर से बाय बोल दो। अगर अद्विका की भाषा किसी को समझ में ना आ रही हो तो अद्विका कह रही है अब हम लोग खाना खाएंगे, गुड नाइट, है ना? हाँ जी। जो करने के बाद अद्विका ने मुझे ऐसा टीका लगाया है पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक। बातें तो होती रहेंगी दोस्तों। मिलती हूँ कल सुबह नए दिन नई सुबह की शुरुआत से। जैसा कि नवरात्रि का कल दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन की शुरुआत से मिलते हैं। जय देव भूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।